हाय, मैं सना हूँ और मैं जम्मू 99 से हूँ। और यहाँ पर आप आएंगे तो आपको बहुत सी सारी चीज़ें आपको 99 और 199 में मिलेगी। जैसे कॉस्मेटिक है, कॉस्मेटिक बाज़ार में आपको सिंगल पीस 100, 200, 500, 600 ऐसे मिलता है। और यहाँ पे हम आपको 99 और 199 में आपको दे रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम ये आपको 199 और 99 में हर चीज़ प्रोवाइड करें। लेडीज़ फुटवेयर भी हम आपको 99 और 199 में प्रोवाइड करेंगे। या जब आप यहाँ पे विज़िट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। नियर पुलिस स्टेशन हमारा जानीपुर में हमारी लोकेशन है। आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर प्लीज़ आके एक बार विज़िट करें। थैंक यू। बाबूसन मलक, स्टेट प्रेसिडेंट जे एंड के गवर्नमेंट एम्प्लाई जॉइंट एक्शन कमेटी, और मेरे साथ सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर जम्मू कश्मीर के आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। और सबसे अहम मुद्दा जो है एम्प्लाईज़ का, यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी 1,00,000 से ज़्यादा जो टेम्परेरी वर्कर जो सरकार ने लगाए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ कोई भी ठोस पॉलिसी नहीं बनाई गई इनके लिए। हम ये कहना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर अगर ये यूटी था, उसके बाद इसको स्टेट में तब्दील किया, तो यहाँ मिनिमम वेजेस एक्ट इन्होंने कहा था, जब दिल्ली के अंदर या डिफरेंट जो स्टेट यूटी हैं वहाँ 18,000 रुपया दिया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो टेम्परेरी वर्कर है उसको सिर्फ 650 रुपया दिया जाता है। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को इसके लिए कोई ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए। इसके साथ SRO 324 जो सरकार ने बनाया है, ये अनजस्टिफाइड है और मिसयूज एम्प्लाइज के लिए जो है, जम्मू कश्मीर का जो मुलाजम है वो दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम करता है। आए दिनों में देख लीजिए, जम्मू कश्मीर के अंदर कोई ना कोई रूल मुलाजमों पर जो है लागू किए जाते हैं। अगर हमारा मुलाजम ठीक तरीके के साथ काम करता है, करप्ट लोगों की हम कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं हमारा मुलाजम जो है काम करता है, तो इसको परेशान मत कीजिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहाँ पहाड़िया मोहल्ला में एक बहुत अच्छी दुकान खुली है, शॉप खुली है, और इसमें हर प्रकार का गारमेंट्स आपको मिलेगा, जेंट्स के विशेषकर, और बहुत अच्छी आइटम्स हैं। आप प्लीज़ आएं और इधर विज़िट करें, यहाँ का सामान अच्छा है। और अगर आप आएंगे ये देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा, आप यूज़ करें। और हम शुभकामनाएं देते हैं और अपने लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ आप हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, प्लीज़ आएँ, विज़िट करें, बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। और लोग भी अच्छे हैं, यहाँ के लोग अच्छे हैं। और मैं यहाँ का एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको देना चाहता हूँ, 6005141080। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, आएँ, मिलें, आनंद उठाएं, प्रभु आपको आशीष दे। दुकान का नाम किंग्स क्वालिटी, पहाड़ियाँ मोहल्ला जम्मू में आए। तो इसके साथ पे नामली जो क्लरिकल कैडर की है, हम कहते हैं इसको भी अगर 15 कैडर की नामली आपने दूर की है तो क्लरिकल कैडर की पे नामली सरकार को दूर करनी चाहिए। 2 इंक्रीमेंटल जो सरकार ने बंद की हैं इनको भी रिस्टोर करना चाहिए। तो रिगलाइजेशन, चाहे वो NHRM है, खिदमत सेंटर है, होम गार्ड्स हैं, आशा वर्कर्ड हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, एंड हेल्पर हैं, कंस्ट्रक्चर टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, SPOs हैं, रैबर खेल हैं, रैबर जंगलात हैं, हम इसके लिए ये कहना चाहते हैं कि सरकार को इसके लिए कोई रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनानी चाहिए। आप देख लीजिए, यहाँ होम गार्ड में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको सिर्फ 2700 रुपया दिया जाता है, जब एक कॉन्स्टेबल है उसको 70,000 रुपया सैलरी दी जाती है। कितनी डिस्क्रिमिनेशन है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इनके फेवर में आई है, हाई कोर्ट की जजमेंट इनके फेवर में आई है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकारें हैं उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, और टिल डेट तक अभी तक इनका कुछ मसला नहीं हल हुआ है। फ्रीज किया है, महंगाई जो है सामान को छू रही है। हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि एम्प्लाइज का DA जो है इमीडिएटली रिलीज करना चाहिए। मैंने इसके साथ DPC जो है, बहुत सारे डिपार्टमेंटों में यहाँ 3-4 साल से DPC नहीं होती। हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि इमीडिएटली, जिस तरह GAD में GAD का आर्डर है कि आप 6 महीने के बाद जो है साल में 2 बार DPC होनी चाहिए, हम ये डिमांड करते हैं कि इमीडिएटली जो है DPC होनी चाहिए। यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन जो है डोनेट की है, किसी ने कनाल, किसी ने 15 मरले, किसी ने 10 मरले, किसी ने 5 मरले। हम ये सरकार से डिमांड करते हैं कि सरकार ने इनके साथ एग्रीमेंट किया था कि किसी एक फर्द की हम नौकरी लगाएंगे, 10 से 12 साल का अरसा गुजर चुका है लेकिन अभी तक किसी की नौकरी नहीं लगी, जबकि वहाँ सरकार ने ट्यूबवेल भी बना लिए हैं, वो लोग पानी भी सप्लाई करते हैं, उसके बावजूद भी अभी तक उनको किसी को नौकरी नहीं लगी। हम ये कहना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, और जम्मू कश्मीर
कश्मीर के जो हेड हैं मनोज सिन्हा साहब, और इसके साथ जो है चीफ सेक्रेटरी साहब से अपील करते हैं कि इमीडिएटली जो मुलाजमों के जो है ये मसले हल किए जाएं, और आने वाले दौर में हमने एक स्टेट लेवल की मीटिंग करनी है और जम्मू कश्मीर के सारे ट्रेड यूनियन बैठेंगे और आगे की फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है बनाएंगे, और अगर सरकार ये चीज़ें नहीं करती आने वाले दौर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की यूटी की सरकार की होगी, ना कि मुलाजम की। शुक्रिया।